गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम लोग सिलेबस का अंतिम पाठ द स्कूल बॉय, जो कि एक पोएम है, हम लोग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आज हम लोग उस पोएम को टेस्ट रीडिंग करेंगे, इसके बाद वर्ड मीनिंग, इसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, फिर क्वेश्चन आंसर। चलिए हम लोग सीधे पाठ पर चलते हैं। द स्कूल बॉय माने विद्यार्थी, स्कूली लड़का, विद्यालय जाने वाला लड़का अर्थात विद्यार्थी। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। इस कविता में आप जानते हैं कि छोटे बच्चे स्कूल जाने से कितना कतराते हैं, खुश नहीं रहते हैं। तो द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड, इस कविता में भी है जो बच्चा है वह खुश नहीं है स्कूल जाने के लिए। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, वो क्यों दुखी रहता है, स्कूल से उसे क्यों चिढ़ है, क्यों वो नाखुश है। व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव्स इन ए केज और ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉजम। व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड, वह अपने आप को एक पक्षी से तुलना क्यों करता है, और साथ ही साथ और वो कौन सा पक्षी, दैट लिव्स इन ए केज, केज माने पिंजड़े। जिस प्रकार से किसी पक्षी को पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है और वो छटपटाता रहता है, उसी प्रकार से ये स्कूली लड़का अपनी तुलना जो है उसी से कर रहा है, पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह, पिंजड़े में बंद पक्षी से अपनी तुलना कर रहा है। आर ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉजम, या एक पौधे से उसकी तुलना कर रहा है जो कब खिलेगा, अर्थात खिलने की, मुस्कुराने के लिए जिसे वो तरस रहा हो। जिस प्रकार से पौधा खिलने के लिए तरसता है, उसी प्रकार से फूल जैसे खिलने के लिए तरस रहा हो उस पौधे की, वहां से अपनी तुलना कर रहा है, या पिंजरे में बंद एक पक्षी से अपनी तुलना कर रहा है। तो पहले आज हम लोग पोएम को पढ़ेंगे और इसके बाद वर्ड मीनिंग। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न When the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? Oh, father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? फ्रॉम द स्कूल बॉय विलियम ब्लैक। एक बार फिर मैं इस पोएम को पढ़ता हूं। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी। ओ व्हाट स्वीट कंपनी
बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर अ क्रूएल आई, आउट वर्न द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? Oh, father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day, by sorrow and cares dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? From the Schoolboy by William Blake. मेरे बच्चों, आज हम लोग, क्योंकि हमारे पास समय बहुत है, अब धीरे धीरे हम लोग जो है अंतिम पार्ट पर पहुंच चुके हैं. आज हम केवल टेस्ट रीडिंग करेंगे, कल इसकी वर्ड मीनिंग बताएंगे. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.